हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आज हम खेल रहे हैं GTA 5। और हट जाओ मैडम जी, हट जाओ, गाड़ी चढ़ा दूंगा। अरे यार ये लोग हटते नहीं है भाई, मेरी क्या गलती है? रोस्ट भाई यार इनकी क्या गलती है भाई, आप इनके सामने इतनी मस्त गाड़ी लेकर के बोलते हो हटने के लिए और नहीं हटते तो गोली से उड़ा देते हो भाई। अरे भाई मैंने इनको वार्निंग दी थी ना, छोड़ो हटाओ गाइज। एनीवेज आप लोग देख सकते हैं गाइज, आज हम लोग करने वाले हैं, वेल आपने टाइटल और थंबनेल देख के ऑलरेडी आइडिया लगा लिया होगा, बट अभी मैं चल रहा हूँ फिलहाल चौप के पास। और आज हम लोग GTA 5 में ना सबसे बिगेस्ट स्टेल्थ बॉम्बर प्लेन खरीदने वाले। जी हाँ, बहुत धासू नाम है यार इस ऑब्जेक्ट का। इनफैक्ट ये व्हीकल जो है गाइस लाखों में एक है। ये प्लेन गाइस हाईली मॉडिफाइड है, मतलब आप लोग ना इतना बता देता हूं मैं कि ये रेडार से गायब हो सकता है, ठीक है? मेरे को बताने में भी दिक्कत हो रही है, इतनी ज्यादा स्पेसिफिकेशन है इसके अंदर। इनफैक्ट अभी मैं जा रहा हूं सबसे पहले ये सबमरीन कार लेकर के चौप के पास, और चौप से मिल करके यार अपन दोनों यार उस प्लेन को खरीदेंगे, उसके बाद उसका ओवरव्यू देंगे और उसकी पावर्स को टेस्ट करेंगे गाइस। तो रेडी हो जाओ एक नए सफर पे जाने के लिए। और भाई कहां बूस्ट कर दिया मैंने, ओह माय गॉड गाइस, ऐसा लगता है आज की वीडियो में ना बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उम्मीद ना आपको थी ना मुझे थी और ना ही वेल चॉप को होगी। सो लेट्स गो, जल्दी से चॉप से मिलते हैं। अबे चॉप कहां पे है भाई, यहां पे बहुत सारे लोग मेरे ऊपर यार गोलीबारी कर रहे हैं। फ्रॉस्ट भाई 2 मिनट रुको भाई, आ रहा हूं मैं आपके लिए। अरे भाई यार यहां पे इतने सारे लोग है ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा, रुको अभी तुम्हारी छल्ली करता हूं। फ्रॉस्ट भाई रुको, बैठ रहा हूं। ऑलराइट लेट्स गो गाइस। ओए कहां जा रहा है, अरे बच गया भाई। फ्रॉस्ट भाई आप तो उसकी हड्डी तोड़ दोगे। अरे भाई साहब बूस्ट मार दिया उसके मुंह पे भाई। अरे यही मिलता है इनके जैसे लोगों को। और अब हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। हट जाओ सर जी, काय को मरना चाहते हो मेरे हाथ से। ऑलराइट लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। हम लोग मर नहीं सकते यहाँ पर, 1 स्टार पुलिस। और अब भाई साहब गलती से मार दिया। अरे ये क्यों क्या डैम भाई, देखा इसीलिए बोलता हूँ कि ये गाड़ी सबसे बेस्ट है, चलते चलते उड़ने लगती है। और 1 स्टार से हम लोगों को 3 स्टार पुलिस भी मिल चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा अफसोस की बात है। अब मेरे को पहले तो यार इस पुलिस को चकमा देना होगा और उसके बाद अपनी प्लेन को ऑर्डर करके उसका अनबॉक्सिंग करके और उसका वेल रिव्यूज दिखा के आप लोगों को उसकी पावर्स दिखानी होगी। लेकिन इससे पहले मैं वो करूं, मेरे को पुलिस भैया जी से पीछा छुटवाना होगा। और यार जितनी पुलिस है ना गाइज आसपास, मेरे को लगता नहीं है कि इतना इजीली अपने लोग पीछा छुटवाने वाले हैं। हट जाओ रास्ते से, हट जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी। फ्रॉस्ट भाई ऐसे गए, मारने से कुछ नहीं होने वाला भाई, हेलीकॉप्टर्स पीछे पड़े हमारे। अच्छा तेरे को क्या लगता है, मैं हेलीकॉप्टर नहीं मार सकता क्या? फ्रॉस्ट भाई अगर आप इस गाड़ी से हेलीकॉप्टर मार दोगे मिड एयर तो मैं मान जाऊंगा प्रोएस्ट प्लेयर हो ब्रो। ओके गाइज, ओके चैलेंज लग चुकी है, आप लोग तैयार हो जाइए। देखिए यहां पर रैंप है, मैं इसका इस्तेमाल करके बूस्ट करूंगा हेलीकॉप्टर को, हम लोग मिड एयर मारेंगे, लेट्स गो। ऑलराइट हेलीकॉप्टर हमारे सामने है, क्या मैं इसको मिड एयर मार सकता हूं? कम ऑन, यस, एम हो गया, मिसाइल छोड़ दी, बैम भाई मिड एयर मार दिया। फ्रॉस्ट भाई यार सही में भाई आपने तो कमाल कर दिया भाई, क्या प्रो प्लेयर हो ब्रो। अरे यही तो स्वैग है, देख रहे हम लोग निकल रहे हैं, बंदे मर रहे हैं भाई, इसीलिए ये टोरेडोर जो है गाइस मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कार्स इन GTA ऑनलाइन में से एक है। क्योंकि ऐसे चिंदी पिंदी पुलिस वालों को तो ना आप ऐसे एकदम मतलब धूल चटा सकते हो इस गाड़ी का यूज करके। और हमारे सामने हेलीकॉप्टर जैसी भयानक चीज भी यार, पानी कम चाय है गाइस, सोच रहे हो? अभी देखो हमारे ऊपर ना, मैं भगवान से प्रे करता हूं एक और हेलीकॉप्टर पड़ जाए और उसके बाद में इनकी बैंड। ओ हेलीकॉप्टर पड़ गया, लेट्स गो। एक बार और गाइस हम लोग यहां पे मारेंगे जस्ट टू प्रूव कि मेरा लक नहीं था, हम लोग सही में टैलेंटेड है। एंड बम भाई मिड एयर फिर से मारा हम लोगों ने। फ्रॉस्ट भाई यार एक बार होता है भाई, दो बार क्या आदमी हो भाई, यू आर अ मैड मैन ब्रो, बहुत स्किल है आपके अंदर भाई। अरे कोई नहीं भाई, चलता है, यू नो कभी-कभार ऐसे। ओ अच्छा एक और हेलीकॉप्टर आ गया गाइस, आपको तो पता ही है अब हेलीकॉप्टर आ गया है तो पंगा लेना ही पड़ेगा। चलो जल्दी से चलते हैं यहां पर और थोड़ा सा ऑल्टीट्यूड गेन करते हैं। ये वाला जंप लगा रहा है, शिट स्कैम हो गया। अरे नहीं 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 भाई, नहीं नहीं नहीं। फ्रॉस्ट भाई बेइज्जती करवा ली आपने भाई, बेइज्जती करवा ली भाई। अरे बेइज्जती अभी नहीं करवाई है भाई, बेइज्जती तब करवाऊंगा जब मैं मिसाइल मिस करूंगा। अभी हम लोगों ने कोई भी मिसाइल मिस नहीं की है। यू नो व्हाट, मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग फिर से कोशिश करेंगे गाइस उस हेलीकॉप्टर को मारने की। अरे बाप रे भाई, इतना ज्यादा यहां पे तहलका मचा दिया ना इन लोगों ने, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा कहां से जाना है। रुको हम लोग एक और रैंप लेते हैं गाइस, जब तक मैं उस तीसरे हेलीकॉप्टर को नहीं फोड़ूंगा ना मेरे को सुकून नहीं मिलने वाला। और मैं जानता हूं कि 3 बार अगर मैं किसी चीज को प्रूव कर दूंगा तो आप लोगों को पक्का यकीन हो जाएगा कि हम लोग प्रो है। सो हियर वी गो वंस अगेन, एक बार और जंप मार के। ओ माय गॉड हेलीकॉप्टर इस बार दिख भी नहीं रहा है। ओ एम कर ले। अरे ससुर है भाई, मेरे को दिख नहीं रहा, डैम इट, छोड़ो हटाओ यार। चलो कोई बात नहीं, 2 बार कर दिया गाइस मैंने, द इम्पॉसिबल चीज हम लोगों ने 2 बार अचीव की है। एंड अब इससे ज्यादा मेरी गाड़ी की यार इंजन भी फेल हो चुकी थी, बस हम लोगों को मरना नहीं है भाई, नहीं तो पता चला कि यार वापस रिस्पॉन होते फिर रहे। रुको अभी मारता हूं इनको। अरे यार मेरा पीछा छोड़ो ना भाई, तुम लोगों की दिक्कत क्या है? मैंने बोला ना मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा फालतू का ये जो भी तुम लोग ड्रामा
कर रहे हो, लेट्स गो गाइस, अभी टाइम नहीं हम लोग के पास। ओए चौप भाई मस्ती मत कर यार, जल्दी से बैठ, मेरा प्लेन डिलीवर हो चुका है गाइस हैंगर के अंदर, और आप लोगों को अभी दिखाता हूं मैं कि कितना जबरदस्त बॉम्बर प्लेन है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि इस प्लेन के अंदर एक सीक्रेट वेपन है जिसको यूज करके आप पूरी की पूरी कंट्रीज को तबाह कर सकते हो। जैसे न्यूक्लियर मिसाइल्स के बारे में आप लोगों ने सुना है, वैसे ही शायद आप लोगों को यार कारपेट बॉम्बिंग के बारे में पता हो। इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे बॉम्ब्स को कारपेट के जैसा एक बार में एक 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 करके एकदम भाई मशीन गन जैसा गिराया जाता है, और अपने टारगेट को ना यार वो पूरी तरीके से छल्ली कर देते हैं। इनकी एक्यूरेसी रेट भाई ऑलमोस्ट 100% होती है, और आप देख सकते हो मेरा RO-68 एल्कोनॉस्ट हो चुका है डिलीवर, और भाई हम लोग चल रहे हैं अभी हैंगर पे। हैंगर फैसिलिटी है गाइज हम लोगों के मिलिट्री बेस में जो की है माउंट चिलियर्ड के जस्ट पीछे, तो यार वहां तक का रास्ता जो है मैं पैदल नहीं जाना चाहता, बहुत ज्यादा लंबा रास्ता है। और प्लस देखो यार मौसम कितना ज्यादा खूबसूरत है, आई मीन अभी हम लोगों का सनसेट होने वाला है गाइज, और जो गोल्डन आवर जिस टाइम को कहा जाता है वो टाइम में हम लोग अपनी प्लेन को लेकर के जा रहे हैं। आई मीन इससे बेटर क्या ही होगा यार, है ना चॉप। फ्रॉस्टी भाई आराम से भाई, अरे स्टंट काहे को मार रहे हो भाई। अरे स्टंट कहां देखी है तूने, ये देख मैं उल्टा दिखाऊं क्या। अरे शिट 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 शिट, सीधा करो भाई, उल्टा में तो पूरा प्लेन एक्सेलरेट करना भूल जाता है। अरे यार गाइज मैं कुछ दिन से क्रू 2 खेल रहा था, तो इसके वजह से मैं भूल गया था कि GTA 5 के मैकेनिक्स में आप प्लेन को उल्टा नहीं चला सकते हो। सॉरी यार, अब जल्दी से चलते हैं मिलिट्री बेस, सीधा टाइम वेस्ट नहीं करते ब्रो, अभी यहां पे तो मरना पड़ेगा भाई। ऑलराइट गाइस, आप लोग देख सकते हो मेरे को यहां पर मेरे ड्राइवर ने पहुंचा दिया है। चॉप और मेरे दोनों को देख सकते हो, हम लोग पीछे वाली सीट पे बैठे, हमारा पायलट जो है हमें पहुंचा रहा है हैंगर के ऊपर हेलीकॉप्टर से, क्योंकि मैं एक CEO हूं तो वेल ये सब अलाउड है, और ये लैंड नहीं करवाता है भाई, मेरे को जंप करना पड़ेगा। चॉप भाई मेरे बोलते के साथ जंप मार दियो, हियर वी गो, लेट्स गो, जंप 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 भाई, जल्दी निकल। ऑलराइट लेट्स गो भाई, पैराशूट भी पहन लिया है, और कम ऑन खोल दे। ओ भाई 4-star वांटेड लेवल है गाइस, लेकिन प्रॉब्लम हमको नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी चॉप को, क्योंकि चॉप के पास यार हैंगर नहीं है, और वो मेरे ही हैंगर के अंदर आकर के प्लेन का टूर लेता है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ भाई वो घुस नहीं पाएगा, आई एम सॉरी चॉप तू मर जा भाई। तब तक गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि एक्चुअली में जो प्लेन है वो कितना जबरदस्त है। नहीं लुको एक सेकंड, मेरे को एक और काम करना पड़ेगा, चॉप को पहले इनवाइट करते हैं हम लोग, क्योंकि गाइस बिना इनविटेशन के हम लोग चॉप को अपने हैंगर के अंदर नहीं बुला सकते, तो जल्दी से मैं उसको अपने एसोसिएट में इंक्लूड करता हूं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं प्लेन की पावर, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, इस बार हम लोगों के साथ चॉप भी आ चुका है, आप लोगों को थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। एंड चॉप कैसा लग रहा है तेरे को, एक्साइटेड है कि नहीं? फ्रॉस्टी भाई बहुत एक्साइटेड हूं भाई, मेरे को भी एंट्री दो ना भाई। अरे दे रहा हूं ब्रो, ये देख कैसा लगा तेरे को हैंगर। अरे फ्रॉस्टी भाई क्या झकास हैंगर है भाई, हमेशा के जैसा भाई, आपका सामान सबसे बेस्ट होता है ब्रो। अरे मेरा सामान क्या भाई, GTA ऑनलाइन वालों ने डाला है इतना अच्छा प्लेन, तो हम लोगों का तो यार यू नो ड्यूटी बनता है ना इसको चेकआउट करना। रुको मैं जल्दी से प्लेन स्पॉन करता हूं गाइस, हम लोगों को स्टोरेज से निकालना होगा। एंड गाइस अब देखो आपके पीछे है द वन एंड ओनली RO-86 एल्कोनॉस्ट, और भाई इस प्लेन का साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर मेरे को इसको हैंगर के अंदर रखना होगा ना, तो कोई भी प्लेन इस हैंगर के अंदर नहीं रह सकती है बजाय इसके, ये इतनी ज्यादा जबरदस्त है। और हम लोग अभी इसको करने वाले मॉडिफाई, और मॉडिफाई मैंने यार ऑब्वियसली आर्मर करेंगे 100%, उसके बाद हम लोग काउंटर मेजर्स में जो भी सबसे महंगा है वो, फिर इंजन अपग्रेड भी सबसे महंगे वाला, फर्क नहीं पड़ता काम का हो या फिर नहीं, बॉम्ब्स ऑलरेडी मैक्स्ड आउट है, हैंडलिंग भी एकदम रेस वाली करेंगे, लिवरी यहां पर हम लोगों को डिसाइड करनी है। मेरे हिसाब से ब्लू वाली जो है थोड़ी ज्यादा बेटर लग रही है गाइस, इसलिए मैं वही चूज करूंगा, नेवल कैमो 2। यार यहां पे कलरिंग का थोड़ा इशू है, क्रोम में पहले ट्राई करता हूं, ओ भाई क्रोम में थोड़ा अजीब लग रहा है, लिवरी खराब हो जाएगी गाइस, लेकिन वैसे भी ये रेडार पे आने वाली नहीं है। और आप लोग देख सकते हो इसके अलावा कोई भी पेंट सपोर्टेड नहीं है यार, कोई भी कलर का चेंज हो ही नहीं रहा है यार, मैं कलर बदल रहा हूँ कुछ हो ही नहीं रहा है। एनीवेज गाइस क्रोम तो मैं ऑब्वियसली नहीं रखने वाला, तो छोड़ो हटाओ, कलर सेक्शन में हम लोगों के लिए कुछ भी काम करनी है, मैंने सारे कलर ट्राई कर लिए यहाँ पर, और अब कोई ऑप्शन नहीं है। ऑलराइट एग्जिट द एयरक्राफ्ट वर्कशॉप, चॉप जल्दी से देख तू बैठ पा रहा है कि नहीं इसके अंदर। फ्रॉस्टी भाई यार मैं नहीं बैठ पा रहा भाई, ऐसा लगता है सिर्फ एक इंसान के बैठने के लिए जगह है ब्रो। अरे यार मेरे को इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है गाइस, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ठीक है तू एक काम करियो, तू हेलीकॉप्टर में बैठ के देखना, हम लोग जो है प्लेन को चला करके लाते हैं, और इसकी पावर को ना डेमोन्स्ट्रेट करूंगा मैं तेरे को। और लेट्स गो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं रनवे पर, अभी हो रही है बहुत ज्यादा रात, मेरे को रुकना पड़ेगा दिन होने का, क्योंकि यार जब दिन होगी ना तो इस प्लेन की खूबसूरती को मैं अच्छे से दिखा पाऊंगा, तो तब तक इंतजार करते हैं गाइस। हो चुकी है यहां पर सुबह, और हम लोग निकल चुके हैं अपने प्लेन के साथ टेक ऑफ करने, और आप लोग देख सकते हो उजाले में कितना ज्यादा खूबसूरत लगता है, आज का मौसम भी बहुत ज्यादा सुहाना है यार GTA की दुनिया में। और भाई टाइम टू टेक ऑफ, ओ ब्रो
बहुत बड़ी प्लेन है ये, आई एम नॉट जोकिंग। अगर आप किसी के भी ऊपर लेकर के जाओगे ना ये भाई, उसकी देख करके हालत खराब हो जाएगी, वो भी सोचेगा भाई ये क्या ले आया सामने वाला, मतलब यार इट्स चीटिंग ब्रो। आई थिंक GTA वालों को इतनी भयंकर प्लेन ना गेम के अंदर डालनी भी नहीं चाहिए, कंसिडरिंग कि ये प्लेन यार ऑलमोस्ट $4.5 million का है और इसके लिए आपको बहुत सारे मिशंस करने पड़ेंगे। अनलेस आप मेरे जैसे एक यूट्यूबर हो तो फिर आप चॉप का पैसा यूज कर सकते हो, यू नो रॉफ्टर भाई मेरा पॉकेट मनी यूज करते हो भाई प्लेन खरीदने के लिए। अरे भाई वो छोड़ना, तेरे को क्लस्टर बॉम्बिंग कैसी लगी? गाइस देखा आप लोगों ने, मैंने आपको दिखाया क्लस्टर बॉम्बिंग का सबसे बिगेस्ट प्रदर्शन, अरे भाई प्लेन ही ठुक जाती। ऑलराइट, क्लस्टर बॉम्बिंग एक बहुत डोप चीज है गाइस, एक के बाद एक आप सारे के सारे बॉम्ब्स गिरा सकते हो। एक खूबी इसकी ये है, और प्लस देखो कैसे नीचे से बॉम्ब बे डोर्स खुलती हैं और दो दो बॉम्ब, अभी तो मैंने एक एक करके गिराया है लेकिन एक्चुअली में क्लस्टर का मतलब ये होता है कि गुच्छों में बॉम्ब्स गिराना, यानी कि स्पेस बार को मैं भाई स्पैम कर देता हूं और ओ माय गॉड गाइस हम लोग बहुत ऊंचाई पे है। अभी मैंने रियलाइज किया लाइक इतनी ऊंचाई पे यार कोई भी प्लेन जल्दी नहीं चलती, लेकिन इस प्लेन की खासियत ये है कि जितना ऊंचा उड़ाओगे ना उतना ज्यादा चांस होता है कि ये एनिमी रेडार में आएगा ही नहीं, यानी कि अभी फिलहाल चॉप को पता भी नहीं चल रहा होगा मैप में ये देख करके कि फ्रॉस्टी भाई प्लेन चला करके आ रहे हैं। फ्रॉस्टी भाई एक्चुअली में आप कहां पर हो भाई? मैं तो यार एयरक्राफ्ट पे इंतजार कर रहा हूं, आई मीन एयरपोर्ट पे। हां हम लोग भी आ रहे हैं ब्रो एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट में दिखाता हूं तेरे को इस प्लेन की असली ताकत। एक्चुअली में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेन्स गाइस, कियो पेरिको हाई के बाद ना इस प्लेन का यार मतलब क्या ही बोलूं, पॉपुलैरिटी आसमान छू चुका था, तो इसीलिए हम मैंने भी सोचा कि यार मैं भी ट्राई कर ही लेता हूं, इतना मस्त चीज है तो क्यों छोड़ना अपन लोग को। ऑलराइट मैं चॉप के ऊपर कारपेट बॉम्बिंग करने वाला हूं, चॉप रेडी हो जा मरने के लिए, लेट्स गो भाई। बॉम्ब्स गिरा दिए मैंने। फ्रॉस्टी भाई क्या गिरा रहे हो भाई साहब इतना ज्यादा यार, मेरे को आपने डरा दिया भाई। अरे कोई नहीं, ये सब होता है ब्रो। एनीवेज गाइस आप लोग देख रहे हो कितना ऑसम चीज था, आई होप आप लोगों को यार ये प्लेन पसंद आया हो, और अगर हां तो हम लोगों को कमेंट्स में बताओ। हमारे 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके यार पहुंचा दो, मेरा बहुत बड़ा सपना है कि हमारे जल्दी से जल्दी 10 मिलियन हो जाए, और अभी हम लोग सिर्फ 3 मिलियन पे है, तो प्लीज कर दो यार, डायमंड प्ले बटन की वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को विद फेस कैम वादारा, ठीक है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी करवा दो। एनीवेज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, आई होप आपको पसंद आया होगा, इसी नोट पे इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, एंड मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर एंड स्टे फ्रॉस्टी।